हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका चीत गेमिंग में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। भाई साहब ग्राफिक्स देख सकते हो, गेम देख सकते हो, भाई कितनी ज़्यादा शानदार है भाई। और इसके अंदर गाड़ियाँ वगैरह देख लो भाई, मतलब अलग लेवल वाली ये वाली गेम होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ भाई, ये मतलब सारी बिल्डिंगें हैं और इसके अंदर भाई अपना एक छोटा सा ये वाला सुपर मार्केट है और इस गेम का नाम है सुपर मार्केट मैनेजमेंट सिमुलेटर। इस टाइप की कुछ ये वाली गेम है। और अपने पास भाई यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है सामान भाई, तो इसको पिक करना है और इसमें अपने को पूरा मार्केट को अपने को जो मैनेज करना है, ये जो अपनी शॉप है उसको अपने को मैनेज करना है भाई। वैसे भी मैं इसको बॉक्स को ओपन करते, बहुत ही शानदार सी गेम है, बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स है भाई। और यहाँ पर देखो, ये हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया, इसको मैं डब्बे को क्लोज़ कर देता हूँ, फिर यहाँ पे थ्रो कर देता हूँ भाई। तो चलो डस्टबिन के अंदर चली गई अपनी आइटम। और यहाँ से मैं, अरे दुकान को ओपन कर दूँ भाई, यहाँ से मैंने शॉप को क्लोज़ करके रखा था, अभी इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। और फिलहाल हम आ चुके हैं कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ पर अपने को वेटिंग करना है कस्टमर का। और कस्टमर किस प्रकार से आते हैं वो यहाँ पर आप लोग देख लेना। फ़िलहाल तो मेरे पास एक ही आइटम है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्राई किया था, दो तीन आइटम ला के रखी थी। अभी देखो कस्टमर आ गए, कस्टमर कैसा करते हैं भाई, ये देखो, ये अभी कैश दिया इन्होंने, पूरा को पूरा है, कुछ भी चेंज नहीं देना है, हो गया कंप्लीट, चेकआउट कर दिया। और इसमें कैसा है भाई, एक चीज़ और भी है, ये जो कस्टमर कहीं कई बार है ना, आपको जो है मतलब ये क्रेडिट कार्ड, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से कुछ आपको क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर भाई आपको ऐसे पैसे काटने हैं भाई, मतलब जो अमाउंट वहाँ पर बताया वो अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना है और उससे पैसे कट जाएंगे क्रेडिट कार्ड से भाई। मतलब सिंपल सी चीज़ है, बाकी तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं अभी और भी आइटम ख़रीदूँगा, कैसे बाई करना है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। ये बाई कर लिए, इनको दे दिया भाई। भाई मैंने $100 का सामान ख़रीदा था, लेकिन यहाँ पे मेरे को 1.44 देने, तो 1.44 के लिए 25 यहाँ से देंगे भाई, 10 यहाँ से देंगे, 35 हो गया, और 10 और देंगे तो भाई 45 हो जाएंगे, 40 हो गया, 44, ये हो चुका अपना कंप्लीट। ये मैं और भी ऑर्डर ले लिया भाई, इन्होंने भी क्रेडिट कार्ड ही लाया भाई, देखो 17.34, तो यहाँ से इनको भी काट लिया है। और ऐसे इस प्रकार से आपको भाई ये मार्केट चलाना, और इसके अंदर भाई बहुत सारी चीज़ें आप ला सकते हो। मतलब फ़िलहाल तो भाई देखो एक ही आइटम है, अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर अपने आप प्लेस हो जाता ना तो थोड़ा आसान हो जाता, बाकी आपको तो प्लेस, अरे कुछ नहीं है, बहन जी ख़त्म हो गया, ख़त्म, कल आना 7-8 भाई, क्या ही बोलूँ मैं, सामान ख़त्म हो गया। यहाँ से लीव करते हैं और भाई यहाँ से कुछ बाई कर लेते हैं। चलो सबसे पहले तो भाई ये आइटम बहुत ज़्यादा बिकती है, तो ये मैं इसको दो कार में डाल देता हूँ। ऊपर आपको बताएंगे कौन सी आइटम कितनी आपने की है वो चीज़, और कौन सी कितने डॉलर की है। यहाँ पर इसको भी दो कर लेता हूँ, तो 92 तो अपने हो गए, 172 है अपने पास, $172 है अपने पास। तो अलग अलग आइटम में ख़रीदेंगे तो उसके हिसाब से सही रहेगा। ये 8 की है तो दो इसको ख़रीद लेते हैं, और ये 19 की है, नीचे वाली तो लॉक है भाई, एक 19 की इसको ख़रीद लेते हैं, फिर 27 की एक इसको ख़रीद लेते हैं, फिर ये 34 की ख़रीदेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी भाई, और $8 की ये ख़रीद लेते हैं, और $8 की ख़रीद लेते भाई, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने कार्ड में जाते हैं और ये आइटम का नाम क्या था भाई, $8 वाली, इसको हम एक कम कर लेते हैं, ये यहाँ से 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 164.16, यहाँ से अपने को बाई कर लेना है और यहाँ से अपनी दुकान क्लोज़ कर लेते हैं भाई। देखो रात होने वाली है, ऐसे भी यहाँ से क्लोज़, और अपना पार्सल भाई आएगा तो यहाँ पर रिसीव लिखा हुआ आएगा नेक्स्ट डे। स्पीड करना हो तो हम स्पीड, देखो पिकअप डिलीवरी हो रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो एक बॉक्स आया, दो बॉक्स यहाँ पे आ चुके, और भी बॉक्स आएंगे भाई। इससे अच्छा यहाँ पे जो ऊपर से आते हैं ना, तो उससे अच्छा भाई गाड़ी आती ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, कि गाड़ी से माल डिलीवर हो रहा है और हम भाई दुकान पर लगा रहे कर रहे, तो मज़ा आ जाता। यहाँ पर देखो दो पार्सल रिसीव हुए मेरे को, ये देखो इसको ले सकते हैं, और भी आएगा माल, इसको हम लेते हैं यहाँ से, अंदर जाके इसको जमा देते भाई बॉक्स के अंदर। देखो पहले ओपन करना है बॉक्स को, सबसे पहले इसको मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे हमको इसको प्लेस करना है, ये सारी आइटम, इसको बॉक्स को खाली हो गया, देखो एक और बॉक्स आ गया, इसको क्लोज़ करो। ऐसे भी आप थ्रो कर सकते हो मेरे हिसाब से, बट मैं तो भाई इसको, ये अलग आइटम है तो इसको मेरे को
दूसरी जगह पहले रखना पड़ेगा। इसको भी मैं यहाँ जमा देता हूँ भाई, क्या करूँ। ये अलग, इसमें मैंने पता नहीं कितनी मंगाई है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी यहाँ से मैं प्लेस कर देता हूँ, देखा जाएगा जो होगा वो। बॉक्स को पहले एक साथ में काम ही हो जाएगा भाई, कर देते इसको क्लोज एंड थ्रो न्यू आइटम रिसीव। देखो 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 भाई, बॉक्स पे बॉक्स आ रहे हैं भाई, फुल माल आ रहा है भाई क्वांटिटी में। अब ये क्या आया हुआ है, ओपन करते बॉक्स को। ये अलग आइटम है साइज से, प्लेस। हाँ ये अलग है, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। अभी मेरे को है ना, इसका मतलब जो ये सामान रखने वाली जगह है ना, इसको भी मेरे को एक हाथ बाई करना पड़ेगा भाई। कहाँ से बाई होगा, कैसे होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे सारी। अरे ओपन कहाँ कर रहा हूँ भाई, इसको थ्रो करना है मेरे को। धीरे धीरे सारी आइटम करेंगे भाई। यहाँ से एक और ले लेते हैं, देखो और डिलीवरी हो गई भाई पिकअप। ये देखो ऐसे अपने आर्टिकल आ जा रहे भाई, अपने ओपन कर करके इसको। ये तो सेम ही है भाई, इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसको यहाँ पे थ्रो कर देते हैं, क्योंकि सेम आइटम रख के मतलब नहीं ना भाई, अपने पास जगह कम है भाई। ये कौन सी है, ये अलग है भाई, ब्रेड वगैरह है ये तो भाई। इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। अरे ये पता नहीं कौन सी आइटम, अरे भाई यहाँ पे जगह नहीं है भाई इसको प्लेस करने के लिए इतनी सारी। ओह शिट, जगह नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। क्लोज कर नहीं, ओपन करके रखूँ इसको, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। बाकी तो ये इतने सारे बॉक्स है भाई, सारा सामान अंदर ला के मेरे को एक साइड में रखना पड़ेगा। अरे ओपन कहाँ कर रहा हूँ भाई, यहाँ डाल देता हूँ मैं। चलो अपने पास जगह कम है, उस हिसाब से प्रॉब्लम वही है कि जगह कम होने के कारण हम ज़्यादा सामान नहीं रख पाएंगे। बट नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखना भाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर देंगे, जैसे कि अपना ये जो पार्टीशन बोलते हैं ना भाई, वो भी ला देंगे ताकि सामान ज़्यादा आ सके भाई। मतलब सामान ज़्यादा रहेगा तो कस्टमर भाई कोई खाली नहीं जाएगा, समझ रहे हो। इसको यहाँ पे थ्रो कर देता हूँ भाई, क्यों नहीं थ्रो हो रहा भाई। हो गया भाई, चलो दुकान ओपन कर देता हूँ मैं फ़िलहाल, क्योंकि भाई देखो सामान बिकेगा तभी अपना कुछ काम चलेगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से है, और इसके अंदर बाकी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो भाई, नए नए ड्रॉवर ला सकते हैं, नई नई चीज़ें ला सकते हैं इसके अंदर भाई, हम ये सारी चीज़ें हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते। देखो एक और मैडम आ गई है सामान लेने भाई, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा खा रही है भाई। चौको क्या है भाई, ये भाई क्रेडिट कार्ड से ही खा रही है भाई सब लोग। मैंने मार्केट प्राइस ही रखा है भाई, मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रखना था, बट प्राइस का देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अरे भाई इतना सारा सामान ले लिया इसने तो भाई, क्या बात है क्या बात है। पैसे दे दो भाई, दो दो 50 और 10 60 और 65 67 हो गया भाई। चलो कस्टमर आ जाओ भाई यहाँ पे, नो थैंक्स। कस्टमर आ जाओ भैया, कस्टमर आ जाओ। डे 3 आज हमारा तीसरा दिन है भाई। तो कुछ इस प्रकार से ये वाली गेम है, और भाई कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे नो कस्टमर विल कम नाइट, ओके स्किप टू मॉर्निंग। यहाँ पे देखो हम फिर से मॉर्निंग में आ चुके हैं स्किप करके भाई, ऐसा कुछ कर सकते हैं, नाइट भी होती है डे भी होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।